लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप अब राम मंदिर निर्माण की बात करने लगे हैं। तेज प्रताप ने राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी आरएसएस के खिलाफ विवादित बयान दे दिया। दरअसल तेज प्रताप यादव पटना के आरजेडी कार्यालय में छात्र राजद की कमेटी का विस्तार कर रहे थे। इस दौरान तेज प्रताप लालू स्टाइल में दिखे। तेज प्रताप ने बीजेपी आरएसएस को खुली चुनौती दी और कहा कि हिम्मत है तो 19-20 में सामने से मैदान में आए, वो चीर कर रख देंगे। अगर है माइक के लाल मैदान तो सामने आकर के लड़ाई लड़ करके दिखाओ। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव खुली चुनौती देने का काम करता है। आओ मैदान में, आओ 19-20 में, तेज प्रताप यादव चीर के रख देगा। तेज प्रताप ने राम मंदिर पर भी खुलकर बोला और कहा कि राम मंदिर अभी तक बना नहीं है, आरएसएस और बीजेपी वाले राम जी को भी नहीं जीने देंगे। हनुमान जी, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, इन लोगों को भी ये आरएसएस बजरंग दल वाले भाजपा वाले जीने नहीं दे रहे हैं चैन से। वहां से देखते होंगे भगवान क्या कर रहा है। सब अभी तक तो राम मंदिर बना नहीं और सही अंधड़ में तूफान में भिंगा रहा है राम जी को। हम बोले मंच के माध्यम से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। डीएसएस सरकार अपना आएगा, गरीब गुरबा का किसान का सरकार आएगा, हम लोग सब एक एक न्यू ईंटा लेकर के सारे जाति सारे बिरादरी के लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वहां जाकर के राम जी का उद्धार होगा। वहीं तेज प्रताप ने पीएम मोदी पर भी गंगा की सफाई पर निशाना साधा और ये कहा कि माँ गंगा ने बुलाया है, गंगा माँ ने इनविटेशन दिया है, आवा तू, गंगा माई एक ही बार बुलाती है। 19-20 में उनकी सरकार आएगी तो वो सबको गंगा आरती के लिए गंगा किनारे बुलाएंगे, गंगा सफाई करेंगे। गंगा माँ ने बुलाया है, गंगा माँ इनविटेशन दी है कि आवा तू। गंगा माँ एक बार बुलाएगी करती है। 2019-20 में जिंदाबाद जिंदाबाद वो बोलने दो। 19-20 में गंगा माँ सबको बुलाएगी, जब अपना पूरा सरकार बनेगा तो सबको न्योता देंगे हम, गंगा नदी घाट पे आइए, वहाँ गंगा माँ का आरती करेंगे। वहीं इस दौरान तेज प्रताप ने भीड़ में बुजुर्ग को योगा करते देखा तो उन्हें अपने पास बुलाकर योगा करने के लिए कहा। तेज प्रताप की बातें सुनकर बुजुर्ग वहीं सबके सामने योगा करने लगा। हालांकि तेज प्रताप ये कोई पहली बार नहीं है जो ऐसा बयान दे रहे हैं, वो लगातार ऐसे आए दिन बयान देते रहते हैं। ऐसे में तेज प्रताप का ये बयान कितना विवाद खड़ा करता है ये देखना होगा। पटना से सुजीत गुप्ता, बिहार तक।